A conservative force in a region is given by F vector is equals to A upon x cube I cap. An expression for the potential energy in the region, assuming the potential energy at infinity to be zero is. तो देखो हमको ना एक रीजन दिया हुआ है, ठीक है, और इस रीजन के अंदर हमको फोर्स जो है जो दिया हुआ है वो है A upon x cube I cap, ठीक है। अब जो फोर्स है वो वेरिएबल है और कंजर्वेटिव है, तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात होती है तो उसके साथ जो एनर्जी लिंक होती है, जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर का नोटेशन लिख देते हैं, राइट। तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी यू को यहीं रहने देता हूँ, डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा एफ डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू। इंटीग्रेशन करता हूँ डी यू का, तो लिमिट्स आ जाती है मेरी ए से बी तक। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लिमिट्स ले लेता हूँ ए से बी तक। अब यहाँ पे माइनस का साइन भी है, अब माइनस का साइन मेरे को हटाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूँ। माइनस का साइन हटाओगे तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएगी, तो ऊपर वाली लिमिट नीचे आ जाएगी और नीचे वाली लिमिट ऊपर चली जाएगी, तो ऐसे दिखेगा मेरा इक्वेशन, राइट। तो डी यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू, लिमिट्स वही इधर तो ए से बी, इधर आ रहा है एफ डी एक्स, तो बी की जगह यहाँ वैल्यू डालेंगे, यू बी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। बी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, यहाँ पे ए का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो डायग्राम में देखो बी पॉइंट कौन सा लिया हुआ है अपन ने, बी पॉइंट जो इस पोटेंशियल एनर्जी के रीजन से कितनी दूर है, इन्फिनिटी पे दूर है, और ए पॉइंट ओरिजन से कितनी दूर है, एक्स दूर है, और ये जो एक्स पॉइंट है ये इसी पोटेंशियल एनर्जी के रीजन में ही है जहाँ पे फोर्स लग रहा है ये वाला, राइट। तो यू बी और यू ए दो पॉइंट्स है, तो बी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो लिख दूंगा यू बी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू ए लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद। अब एफ की वैल्यू जो हमको क्वेश्चन में दी है ए अपॉन एक्स क्यूब आई कैप, तो यहाँ पे यू बी माइनस यू है, एफ की वैल्यू है एक्स क्यूब आई कैप, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ए एक्स क्यूब आई कैप मैंने नहीं लिखा है, आई कैप सिर्फ हमको डायरेक्शन बता रहा है। तो अभी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं डायरेक्ट। देखिए अब तो यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है मेरे पास, 1 बाय एक्स क्यूब का मैंने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये एक्स क्यूब है ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो पावर मेरी हो जाएगी माइनस थ्री प्लस वन और माइनस थ्री प्लस वन डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। लिमिट्स मेरी वही बी से ए तक यहाँ पे जैसे यहाँ चल रही हैं सेम। अब यू बी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी, और बी कहाँ पे है, बी इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। बात करते हैं ए की, वहाँ हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे बी पे इन्फिनिटी पे ज़ीरो दी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे यू बी को ज़ीरो भी लिखा है। ए पे मेरे को एनर्जी पता नहीं है, तो माइनस यू ए, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड पे एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा पावर में, और अपॉन माइनस टू आ जाएगा। ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, पोजीशन, ए कितनी दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है, तो एक्स आ गया। बी कितनी दूर है, बी वाला पॉइंट इन्फिनिटी दूर है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, ये माइनस टू बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बाई टू, और ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, हायर लिमिट डालेंगे एक्स की जगह, तो एक्स की पावर माइनस टू को वन बाय एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हायर लिमिट एक्स की जगह माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह, तो वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी हट जाएगा, तो हमारे पास ये माइनस माइनस भी गया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास यू इक्वल्स टू ए अपॉन टू एक्स स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।